एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का ये हम कह सकते हैं सबसे बेसिक टॉपिक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, पहले तो ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके थोड़े से मतलब को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम करते क्या है, एवरेज निकालते हैं। अब मुझे ये मालूम हो कि एवरेज किसको कहते हैं। तो एवरेज माना एक सेंट्रल वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं मेरे चार फ्रेंड्स हैं, ठीक है, एक का वेट है 61 kg, मेरे दूसरे फ्रेंड का वेट है 62 kg, मेरे तीसरे फ्रेंड का वेट है 59 kg और चौथे फ्रेंड का वेट है लेट्स से 58 kg। मैंने बोला मेरे चार फ्रेंड्स हैं, एक का वेट 61, एक का 62, एक का 59 और एक का 58। अब मैं क्या बोलूंगा कि मेरे चार फ्रेंड्स हैं जिनका एवरेज वेट 60 kg है। मैंने बोला मेरे चार फ्रेंड्स हैं जिनका एवरेज वेट 60 kg है। तो इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो मेरे चार फ्रेंड हैं उनका जो वेट है वो 60 के आसपास है। अब देखिए, यहां पे किसी का भी वेट 60 नहीं है, या फिर मैं बोलता मेरे पांच फ्रेंड है उनका एवरेज वेट 60 kg है। अब देखिए, या तो किसी का भी वेट 60 नहीं है, या फिर मान लीजिए किसी एक का 60 है बाकियों का 60 नहीं है। लेकिन मैं अगर कहता हूं कि मेरे फ्रेंड्स का एवरेज वेट 60 है, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे जो पांच फ्रेंड है या चार फ्रेंड है उनका वेट 60 kg के आसपास ही है। ठीक है ना, 60 kg के आसपास ही है। देखिए, ये सारे नंबर जो है ये 60 से थोड़ा ज्यादा कम है, ठीक है ना, तो 60 के आसपास ही है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम जो ये एवरेज है इसे क्या समझते हैं, एक ऐसा सेंट्रल नंबर जो पूरे डेटा को, मतलब अब अगर मैं बोलता हूं मेरे पांच फ्रेंड्स का वेट 60 kg है, क्या अजम्पशन हम निकालेंगे कि हाँ पांच फ्रेंड जो है बड़े हेल्दी हैं, ठीक है ना। तो ये हमने समझा सेंट्रल वैल्यू। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये जो सेंट्रल वैल्यू है हम निकालते कैसे, स्टेटिस्टिक्स में ये जो हमें सेंट्रल वैल्यू निकालना होता है इसके लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है ना, कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है अरिथमेटिक, ठीक है, अरिथमेटिक मीन, ठीक है, जिसको इन शॉर्ट कई बार मीन भी बोलते हैं, ठीक है। और जनरली अगर एवरेज बोला है तो सबसे कॉमनली यूज्ड मेथड भी अरिथमेटिक मीन है। सेकंड मेथड एवरेज निकालने का वो है मीडियन, ठीक है। तीसरा है मोड, ज्योमेट्रिक मीन, और हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो हमारे पास ये बेसिकली पांच मेथड है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के एवरेज होते हैं, मूविंग एवरेज, लेकिन वो हम फिर आगे अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास ये पांच अलग अलग मेथड्स हैं जिससे हमें क्या करना है, सेंट्रल टेंडेंसी है ना, एवरेज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अरिथमेटिक मीन। अब देखिए अरिथमेटिक मीन, जिसको इन शॉर्ट AM भी लिखते हैं। अब अरिथमेटिक मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए इसके लिए मेरे पास सबसे पहले तो मुझे चाहिए डेटा, ठीक है ना।
सबसे पहले मुझे चाहिए डेटा। अब यहां पे मुझे देखिए, मेरे पास डेटा किस किस टाइप का होता है। एक होता है अनग्रुप्ड और दूसरा होता है ग्रुप्ड। एक तो अनग्रुप्ड डेटा है और दूसरा ग्रुप डेटा है। अब अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा, पहले हम अनग्रुप डेटा, ठीक है ना, पहले तो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए जिसको हमने डेटा बोल दिया। अनग्रुप डेटा कैसा होता है, जैसे मैंने रैंडमली बोला कि मेरे 5 फ्रेंड है, उनका वेट है 61 केजी, 62 केजी, 58 केजी, 59 केजी और 60 केजी। मैंने बोला मेरे 5 फ्रेंड है और उनके ये रिस्पेक्टिव वेट से उनका एवरेज वेट निकालना है, ठीक है। तो अब ये एवरेज वेट कैसे निकालेंगे, तो ये जो इस टाइप का डेटा है इसको हम बोलते हैं अनग्रुप डेटा, ठीक है ना। इसमें कोई हमने ग्रुपिंग नहीं की हुई है, रैंडमली मैंने जो है सबकी वैल्यूज दे दी, इसको हम बोलते हैं अनग्रुप डेटा, जिसको हम इंडिविजुअल, है ना, इसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। अनग्रुप डेटा में हमें इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस मिलता है। ऑब्जर्वेशन मतलब मैंने एक फ्रेंड का वेट ऑब्जर्व किया 61, दूसरे का वेट ऑब्जर्व किया 62 एंड सो ऑन। तो ये जो इंडिविजुअल वैल्यूज है मैंने अलग 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 करके लिखे हुए, इसको मैंने कोई ग्रुपिंग नहीं की हुई है, तो ये अनग्रुप डेटा है। अब देखिए यहां पे मीन मुझे निकालना है, मीन को हम एक्स बार, इसको हम रीड करते हैं एक्स बार, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम अरिथमेटिक मीन या फिर इन शॉर्ट मीन कहते हैं, ठीक है। अब एक्स बार का फॉर्मूला अनग्रुप डेटा के लिए होता है सिग्मा, ये जो सिंबल है इसको हम रीड करते हैं सिग्मा, ये ग्रीक अल्फाबेट है, ठीक है ना, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। यहां पे एक्स आई क्या है, ये जो एक्स आई है इसको हम बोलेंगे आईथ ऑब्जर्वेशन, आईथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, एक्स आई को हम बोलेंगे आईथ ऑब्जर्वेशन। आई है पोजिशन, जैसे ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, मैंने जो डेटा दिया उसमें ये पहली वैल्यू है, ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन, ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, ये जो 1 2 3 4 5 जो पोजीशन है उसको हमने आई से रिप्रेजेंट किया यहां पे। तो सिग्मा एक्स आई, सिग्मा का यहां पे मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब है समेशन, समेशन मतलब सबको ऐड करना, ठीक है ना, सबको मुझे जोड़ना है, प्लस करना है। और यहां पे एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, n is number of observations, ये बात हमने समझी। अब देखिए ये तो हमने फॉर्मूला देखा, आगे देखिए, मैंने बोला x bar is equal to sigma x i upon n, ठीक है। अब सिग्मा एक्स आई, सिग्मा का मतलब हमने समझा समेशन, एक्स आई है आईथ ऑब्जर्वेशन, एन इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो जो मुझे इंडिविजुअल वैल्यूज मिली हैं। इस सिग्मा एक्स आई को हम लिख सकते हैं एक्स, देखिए ये फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू, ऐसे अगर एन नंबर ऑफ वैल्यूज है तो एन वैल्यूज, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे। एक्स आई, सिग्मा एक्स आई को हम लिखेंगे एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस 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 जो उसकी लास्ट ऑब्जर्वेशन है, जैसे यहां पे 5 ही है तो x3, x4, x5 आएगा। किसी डेटा में हमको, किसी अनग्रुप डेटा में 10 ऑब्जर्वेशन भी मिल सकते हैं, 20 भी मिल सकते हैं, तो x1, x2, x3, x4 मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और जो 20वां है ना, वो सारे मुझे ऐड करने हैं, जितनी भी वैल्यूज दी हैं मुझे इन सबको ऐड करना है। और मुझे डिवाइड क्या करना है, एन, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, तो कितने ऑब्जर्वेशन होंगे, जितने ये नंबर है यानी n,
यहाँ पे पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, पांचवी वैल्यू, तो टोटल कितनी वैल्यूज है मेरे पास? पांच। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? x1 पहली वैल्यू क्या है? 61। दूसरी वैल्यू क्या है? 62। तीसरी वैल्यू क्या है? चौथी वैल्यू क्या है? 59। पांचवी वैल्यू क्या है? 60। इन सब को मुझे किससे डिवाइड करना है? 1, 2, 3, 4, 5। टोटल मेरे पास पांच वैल्यू है, तो मुझे इसको पांच से डिवाइड करना है। ठीक है, मैं अब क्या करूंगा, इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दूंगा। ठीक है, सबको मैं ऐड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा ये? 60, 60, 1, 2, 3, 4, 5। इसका टोटल मुझे मिल जाएगा 300/5, जो कि मुझे मिल जाएगा 60। देयरफोर एक्स बार मुझे कितना मिल गया? 60 kg। तो यहां पे हमने देखा, हमने इसको कैलकुलेट करके कितना निकाला, एवरेज वेट जो है मुझे 60 kg मिल गया। ये हमने समझा। अब देखिए, ये था हमारा अनग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा का मीन निकालने का तरीका। ठीक है, अब देखिए, हमें अगर ग्रुप डेटा मिलता, अनग्रुप डेटा का मीन निकालना ये तो बहुत सिंपल है, अगर हमें ग्रुप डेटा मिलता तो हम उसका अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते? अब ग्रुप डेटा मुझे याद रखना है कि ग्रुप डेटा में मेरे पास दो कैटेगरीज हैं। ठीक है, एक है डिस्क्रीट और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। और जो जैसे जैसे आपको चीजें मिलती जाएंगी मैं बताते जाऊंगा विद एग्जांपल्स। अब डिस्क्रीट सीरीज, पहले हम डिस्क्रीट सीरीज पे चलते हैं। डिस्क्रीट सीरीज डेटा क्या है? ग्रुप डेटा मतलब जहां पे मैंने ग्रुप किया हो, अनग्रुप डेटा मतलब रैंडमली मुझे वैल्यूज दे दी। अब ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा में सबसे पहले मेरे पास डिस्क्रीट सीरीज, जैसे मान लीजिए मैं इसे टेबुलर फॉर्म में देता हूं, मैंने यहां पे बोल दिया वेट और यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां पे मैंने बोला वेट और यहां पे मैंने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए, वेट में मैं लिख लेता हूं 30 kg, 35 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg, सपोज। ठीक है ना, अब किसी एक मैं क्लास में या किसी एक सेक्शन में गया, वहां पे है ना, किसी एक छोटी क्लास में उनके सेक्शन में गया, तो मुझे 30 kg के मान लीजिए पांच स्टूडेंट मिले जिनका वेट है 30 kg, 3 स्टूडेंट मिले जिनका वेट है 35 kg, 2 ही स्टूडेंट मिले जिनका वेट है 40 kg, 4 स्टूडेंट मिले जिनका वेट है 45 kg, और 1 स्टूडेंट ऐसा मिला जिसका वेट है 50 kg। तो यहां पे मैंने क्या किया, सबको ग्रुपिंग कर दी कि भाई 5 बच्चे मुझे 30 किलो के मिले है ना, जिनका वेट 30 किलो है, 3 स्टूडेंट मेरे को ऐसे मिले जिनका वेट 35 है, एंड सो ऑन। तो यहां पे मैंने ग्रुपिंग की हुई है, जबकि लास्ट केस में क्या था, हमने रैंडमली लिखा हुआ था। जैसे मान लीजिए इसी को मैं ऐसे लिखता हूं, मैं एक क्लास में गया, मुझे एक लड़का मिला 30 किलो का, दूसरा बच्चा भी मुझे 30, तीसरा भी 30, चौथा भी 30, पांचवा भी 30, फिर छठवा बच्चा जो है वो उसका वेट था 35, सातवें का भी वेट 35, आठवें का भी 35, नौवें का हो गया 40, दसवें का भी 40, 11वें का 45, 45, 45, 45, 45 and 50। मैं बोला कि मैं किसी एक क्लास में गया, उसमें एक है ना, एक बच्चे का वेट लिया तो 30 मिला, दूसरे का वेट किया 30 मिला, तीसरे का वेट किया, चौथे का वेट किया, पांचवे का वेट किया, मुझे 30 मिला। ठीक है, फिर छठे सातवें आठवें का वेट किया तो मुझे 35, 35, 35 मिला, एंड सो ऑन। तो यहां पे मैंने क्या किया कि सबको मैंने अलग 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 करके वेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो डेटा है ये क्या बन गया, अनग्रुप डेटा। ठीक है ना, ये अनग्रुप डेटा है, मैंने इंडिविजुअल सबकी वैल्यूज लिखी हुई है, लेकिन इसी में मैं अगर देखता हूं भाई 30 वाले कितने हैं, 40 वाले कितने हैं, 35 वाले कितने हैं, 45 वाले कितने हैं, और उसको मैंने ऐसे ग्रुप करके लिख लिया,
तो देखिए ये ज्यादा प्रेजेंटेबल है, तो उसी इंडिविजुअल जो हमारा अनग्रुप डेटा था उसको मैंने ऐसे ग्रुप करके लिख लिया, ठीक है। अब अनग्रुप, अब अगर मैं इसका मीन निकालना चाहता हूं, पीछे हमने देखा अनग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालते हैं, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 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 प्लस, लास्ट में मुझे ये 50 तक ऐड करना है, फिर ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है उस टोटल नंबर से, है ना, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट करेंगे, जितना भी होगा उससे मुझे डिवाइड करना है और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये तो अगर मुझे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन अनग्रुप डेटा दिया होता तो मैं वैसे करता, ग्रुप डेटा दिया है तो मैं इसको कैसे, है ना, इसका मैं मीन कैसे निकालूंगा। अब देखिए ग्रुप डेटा का मीन निकालने के लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, तो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब देखिए यहां पे ये एक्स आई और एफ आई क्या है, ये जो वेट हमने लिया हुआ है, मुझे यहां पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई ये डेटा है, अब इसका मुझे मीन निकालना है, इस चीज का मीन निकालो, तो मैं क्या करूंगा, मीन वेट निकालो या एवरेज वेट निकालो, मुझे बोला एवरेज वेट निकालिए, तो ये वेट्स हो गए, है ना, इसका एवरेज मुझे निकालना है, तो ये जो वेट्स है ये मेरा एक्स हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट, भाई किस कैटेगरी में कितने बच्चे हैं, ये जो नंबर वाला पार्ट है ये हो जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने एफ लिख लिया, ठीक है। हमने समझा था सिग्मा मतलब समेशन, ठीक है, लेकिन ये एफ आई और एक्स आई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये फॉर्मूले को मैं अभी रब कर देता हूं, तो मैंने देखा ये एक्स है ये एफ है ना, ये एक्स और ये एफ हो गया। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कॉलम यहां पे बनाएंगे एफ आई एक्स आई, राइट। अब अगला काम मुझे जो करना है वो ये कि मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना और वो वैल्यू को यहां पे लिखना है, राइट। तो मैं लिखूंगा 30 × 5 = 150, 35 × 3 = 105, 40 × 2 = 80, 45 × 4 = 180, 50 × 1 = 50, ये मुझे मिल गया, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था, ठीक है, एफ आई एक्स आई मिल गया, मुझे उसका टोटल निकालना है, मतलब ये जो वैल्यूज है मुझे इनका टोटल निकालना है, ये जो वैल्यूज है मुझे इनका भी टोटल निकालना है, तो 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, ये टोटल मुझे मिल गया 565। अब मुझे एवरेज निकालना है, मैं क्या करूंगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब देखिए जो एफ आई एक्स आई है मुझे कितना मिला, 565, FI, इसका टोटल मुझे कितना मिला, 15, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड कर लूंगा और ये मिल जाएगा मुझे 37.66, तो इसको राउंड ऑफ करके 37.67 हम लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए हमारे पास कैलकुलेटर अगर है तो कैलकुलेटर की ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि कैलकुलेटर में हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कैलकुलेटर में ये सारा क्वेश्चन एक बार में, देखिए मैं इसको रब कर देता हूं, कैलकुलेटर में हम इस क्वेश्चन को एक बार में कैसे करेंगे, ठीक है ना, कैलकुलेटर की ट्रिक मैं आपको सिखाता हूं। अब देखिए कैलकुलेटर ट्रिक, ये कैलकुलेटर है मेरे पास,
सबसे पहले मेरे पास 30 × 5, तो मैं क्या करूंगा कैलकुलेटर में, सबसे पहले ये जो ऑन एसी का बटन है मैं इसको प्रेस कर दूंगा। अब देखिए इसमें हमारे पास ये एक सिंपल कैलकुलेटर, ये सिटीजन का है, एक कैसियो कंपनी का भी कैलकुलेटर आता है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले जो इसका मेमोरी है MRC MRC, हम ये बटन दो बार दबा के फिर ऑन कर लेंगे, ताकि अगर कुछ मेमोरी में भरा हुआ है तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, ये ऑन का बटन हम दबा चुके हैं, तो सबसे पहले मैं जो फ्रीक्वेंसीज है मेरे पास 5, 3, 2, 4 and 1, ठीक है ना, मैं इसका टोटल निकाल लेता हूं। तो मैंने लिखा 5 + 3 + 2 + 4 + 1, ये मुझे 15 मिल गया। अब इस वैल्यू को मैंने क्या किया, नीचे पहले से लिख के रखा हुआ है, मैं दोबारा से ऑन एसी दबा दूंगा, ठीक है, ताकि ये क्लियर हो जाए। तो 15 मैंने टोटल निकाल लिया और मैंने अब इसको क्लियर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए ऑन एसी मैं दबा चुका हूं, 30 × 5 = 150 मिला मुझे, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को लिख लूंगा, है ना। तो 30 × 5 के सामने मैंने लिख दिया 150। इसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू जो मुझे दी हुई है 35 और 3, मैं सीधे सीधे लिखूंगा 35 × 3, बिना कोई तीसरा बटन दबाए मैंने 35 × 3 कर दिया। ऑन एसी अब नहीं दबाना है, एक बार हम कर चुके हैं, अब कुछ नहीं करना। उसके बाद मैं लिखूंगा नेक्स्ट वैल्यू 40 × 2, तो मैंने लिखा 40 × 2 = नेक्स्ट है 45 × 4, ये 80 को मैं उसके सामने लिख लूंगा। उसके बाद 45 × 4, तो मैं लिख लूंगा 45 × 4 = फिर मैं लिखूंगा नेक्स्ट वैल्यू जो कि है 50 × 1 = आप देखिए कई बार हम सोचेंगे कि ये 50 × 1 तो हमें वैसे ही मालूम है ना, 50 × 1 = 50, तो डायरेक्टली लिख लेंगे ना, कैलकुलेटर में करने की क्या जरूरत है। लेकिन हम कैलकुलेटर में ही करेंगे, क्योंकि हमें ये पूरा क्वेश्चन कैलकुलेटर से करना है। तो नो मैटर कितना भी सिंपल कैलकुलेशन हो, आप कैलकुलेटर में एक बार कर लीजिए। अब देखिए इसका टोटल मुझे निकालना है। अब नॉर्मली क्या करते थे, ये जितनी भी प्रोडक्ट में मुझे वैल्यूज मिली है FI XI में, हम ऑन एसी दबाते थे फिर सबको दोबारा ऐड करते थे। कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ ये GT का बटन दबा दीजिए, आपको टोटल ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ध्यान रखना है आप जो कैलकुलेटर लेते हैं सिंपल कैलकुलेटर, उसमें ये GT वाला बटन जरूर हो, जिसमें आपके स्टैटिस्टिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, GT का बटन दबा दिया, मुझे 565 टोटल मिल गया। अब मुझे सिर्फ डिवाइड का बटन दबाना है, और जो मुझे फ्रीक्वेंसी का टोटल मिला था 15, वो लिखना है, इक्वल करना है, मेरा एवरेज आ गया। तो आपने देखा ये कैलकुलेटर में बड़ी इजीली हो गया और एक बार में हो गया, क्लियर है ये। आगे हम देखेंगे शॉर्टकट मेथड। अब देखिए ये तो हमने देखा, मैं चाहे तो इसी क्वेश्चन को कर लेता हूं शॉर्टकट मेथड से। वैल्यूज हमारे पास क्या थी, 35 30, ये एक्स है हमारे पास, ये फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए शॉर्टकट मेथड में आपको बताता हूं। अच्छा, जो डायरेक्ट मेथड था, अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा था, जो अभी हमने जिस फॉर्मूले से किया था, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। दूसरी चीज, ये जो सिग्मा FI है, कई बार इसको कैपिटल N भी लिखते हैं। कैपिटल N है टोटल फ्रीक्वेंसी, ये मुझे याद रखना है। तो कभी कभी सिग्मा FI लिखा होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे बुक्स में आपको N मिलेगा, कैपिटल N, और कैपिटल N का हमेशा मतलब है टोटल फ्रीक्वेंसी। अब हम देखेंगे शॉर्टकट मेथड। ये तो हमने डायरेक्ट मेथड देखा, अब देखिए शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताता हूं। शॉर्टकट मेथड के लिए हम लिखेंगे
फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f d अपॉन n, f i d i अपॉन n ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पे ये क्या है, a इज अज्यूम्ड मीन, a इज अज्यूम्ड मीन, f जो है वो फ्रीक्वेंसी है, ith फ्रीक्वेंसी। अब ये जो d है इसको हम लिखेंगे एक्स आई माइनस ए, ठीक है, डी आई जो है वो हो जाएगा एक्स आई माइनस ए, जहां पे ए क्या है हमारा अज्यूम मीन, और ये जो डी आई है इसको हम बोलते हैं डिविएशन अबाउट ए, डिविएशन अबाउट ए या फिर डिविएशन अबाउट अज्यूम मीन, ठीक है ना। इसको हम आगे चल के जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसमें एक और चीज समझेंगे, इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, अभी सिर्फ ये टर्म याद रखिए, आगे जैसे जैसे चीजें मिलती जाएंगी मैं आपको बताते जाऊंगा, तो इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ठीक है, लेकिन फॉर द टाइमिंग आप याद रखिए इसको हम बोलते हैं डिविएशन अबाउट ए। और n क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इस मेथड से हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसमें मुझे चाहिए अज्यूम मीन, एक कॉलम बनाएंगे हम यहां पे di का या फिर सिर्फ d का, ठीक है, विच इज नथिंग बट एक्स आई माइनस ए, ठीक है, और यहां पे हम एक कॉलम बनाएंगे एफ आई डी आई या फिर एफ डी, सिंपली एफ डी आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आगे देखिए, अब मुझे यहां पे सबसे पहले a चाहिए शॉर्टकट मेथड के लिए। अब ये a क्या है, a हमने a को डिफाइन किया हुआ है अज्यूम मीन, है ना, अज्यूम मीन डिफाइन किया हुआ है, अज्यूम मीन मतलब जो मैं अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है ना, तो मैं यहां पे किसी को भी अज्यूम कर सकता हूं, मैं 30 को, 35 को, 40 को, 45 को, 50 को, किसी को भी अज्यूम कर सकता हूं, या फिर कोई ऐसी वैल्यू को भी अज्यूम कर सकता हूं जो ऑल टुगेदर इस लिस्ट में है ही नहीं, मैंने 37 को भी अज्यूम कर लिया, ये किसी को भी कर लिया, ये मेरी मर्जी है, मैं किसी को भी अज्यूम कर सकता हूं, लेकिन स्टैंडर्ड या बाय डिफॉल्ट हमें ये जो शॉर्टकट मेथड है ये हम अप्लाई करते हैं अपना काम आसान करने के लिए, या फिर ऐसे सिचुएशन में जब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें जो सेंटर में पड़ता है जनरली मैं उसको अज्यूम करता हूं, है ना, मतलब मैं यहां पे अज्यूम मीन किसको लूंगा, 40 को, मैंने यहां पे क्या किया, a इज इक्वल टू 40 अज्यूम कर लिया, ठीक है, a इज इक्वल टू 40 अज्यूम कर लिया, मतलब d जो है वो हो जाएगा x माइनस 40, ठीक है, x माइनस 40। अब ऐसा जरूरी नहीं है आप किसी को भी ले सकते हो, अज्यूम मतलब मेरी मर्जी है, मैं अगर यहां पे a को 100 भी लू कोई फर्क नहीं पड़ता, 90 लू तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है, लेकिन हम सेंट्रल वैल्यू लेते हैं, हाँ, बीच वाली वैल्यू लेते हैं हमारा काम आसान करने के लिए। अब कईयों का क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए यहां पे तो 1 2 3 4 5 पांच वैल्यू थी, ठीक है ना, अगर चार वैल्यू होती तो मैं किसको लेता, तो बीच में तो दो वैल्यूज पड़ रही है ना, 35 और 40, तो वहां पे आंसर है कि क्योंकि अज्यूम मीन मेरा अजम्पशन है, मैं 35 भी ले सकता हूं 40 भी ले सकता हूं, मेरी मर्जी है। जब इवन नंबर ऑफ यहाँ पे मेरे को टर्म्स इंटरवल्स मिलते हैं, सॉरी इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं, तो फिर मैं बीच में जो दो वैल्यूज पड़ेंगी मैं किसी को भी ले सकता हूं, लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मैं सेंट्रल वैल्यू को जनरली अज्यूम करता हूं। अब मुझे यहां पे डी में क्या करना है, एक्स माइनस ए, एक्स क्या है 30, तो मुझे 30 माइनस 40 करना है, जो कि मुझे माइनस 10 मिल जाएगा, है ना, 30 माइनस 40, आप चाहे तो कैलकुलेटर अगर है तो उसका यूज कर सकते हैं, बट ये ट्रिक ऐसे सिचुएशन के लिए है जब कैलकुलेटर नहीं होता, तो 30 माइनस 40 इज माइनस 10, 35 माइनस 40 नेगेटिव 5, 40 माइनस 40 0, 45 माइनस 40 5, 50 माइनस 40 10। अब नेक्स्ट कॉलम क्या है, FD, मैं 5 और 10 को मल्टीप्लाई करूंगा, 5 10 जा 50, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस 50, 3 5 जा 15 तो माइनस 15, 2 इंटू 0 इज 0, 4 इंटू 5 20, 1 into 10 is 10,
मुझे अब इसका टोटल निकालना है। इसका टोटल निकालने के लिए आप ध्यान रखेंगे नेगेटिव वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, फिर उसका जो भी डिफरेंस है वो निकाल लीजिए। लाइक 50 और 15 ये हो गया -65, 20 और 10 हो गया 30, तो मैं क्या करूंगा -65 और 30 निकाल लूंगा, जो कि मुझे कितना मिल जाएगा -35। ठीक है, तो मुझे इसका टोटल कितना मिल गया -35। ये समझा हमने। नाउ फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं। एक्स बार मुझे मीन निकालना है, अज्यूम मीन फॉर्मूला क्या था, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ए मेरे पास कितना है, मैंने किसको अज्यूम किया 40 को, तो मैं लिख लूंगा 40 प्लस सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी ये एफ डी का टोटल कितना निकाला मैंने -35, तो मैं यहां पे लिख लूंगा -35 अपॉन। ठीक है, एफ का टोटल, एफ का टोटल मैंने कितना निकाला 15। ठीक है 15, तो ये हो जाएगा फोर्टी। अब देखिए प्लस और माइनस होता है माइनस, तो -35 अपॉन 15। 5 3 15, 5 7 35। अब देखिए ये बहुत सिंपल हो गया, 40 -7/3। ठीक है 3 4 12, 120 -7 कितना हो जाएगा 113/3। अब ये डिवाइड करना जो है हमें, है ना, 3 3 9 10 11, 3 6 18, 3 7 21, 2 6, ठीक है 37.6666। एग्जैक्टली हमें वही रिजल्ट मिल रहा है जो हमें वैसे, है ना, डायरेक्ट मेथड से मिला था। ठीक है, तो ये हमने देखा डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, ये दोनों ही केस में मुझे रिजल्ट जो है वो सेम मिल रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है।